सुचारुवाक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनम्। हरे कृष्ण। हम सब जन्माष्टमी के महापर्व को अत्यंत धूमधाम से मनाते हैं, इतनी तैयारियां करते हैं, और श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ उसकी कथा भी हमने अनेकों बार सुनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं वृंदावन में कृष्ण का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है? तो चलिए इस आने वाले जन्माष्टमी के महापर्व के अवसर पर हम आपको वृंदावन लेकर चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि आखिर नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण का जन्मदिन कैसे मनाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित कुछ और भी कथाएं आपको सुनाएंगे। तो आराम से बैठ जाइए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए। कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर भव्य तैयारियां होती है। पूरा वृंदावन उस समय आनंद और उत्साह से छलक रहा होता है। और कान्हा के जन्मदिन की शुरुआत होती है प्रातः काल में यशोदा मैया द्वारा आयोजित अनेक पूजा पाठ और यज्ञ इत्यादि के कार्यक्रम के साथ। नंद महाराज द्वारा अनेक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता था और ऋषि शांडिल्य द्वारा बताई गई हर पूजा विधि को सम्पन्न किया जाता था। इन सब के अंदर कहीं भी कोई भी कमी नहीं रहती, क्योंकि यशोदा मैया कान्हा के जन्मदिन की पूजा के विषय में ज्यादा सतर्क रहती थी, इसलिए सारी पूजा और विधि एकदम पूर्ण होती थी। कान्हा को भी इन पूजाओं में बैठने में बड़ा मजा आता। लगभग सुबह का समय इन्हीं पूजा और यज्ञ में व्यतीत हो जाता। फिर जब सभी ब्राह्मण ये विधि संपन्न कर लेते तो कान्हा स्वयं उन्हें भोजन करवाता और नंद महाराज दान देते। उसके बाद बारी आती है कृष्ण के मित्रों की। जैसे ब्राह्मण और साधु चले जाते हैं, उसी क्षण कान्हा के सभी मित्रों की टोली आकर उसे घेर लेती है। और वे सब खाली हाथ नहीं आते, जी नहीं, वृंदावन में जो बड़े लोग हैं वे कृष्ण के लिए अनेक सुंदर कीमती उपहार लेकर आते थे, जैसे कि मूल्यवान कपड़े, आभूषण, मोती, खिलौने इत्यादि। लेकिन कान्हा के जो छोटे छोटे मित्र हैं ना, वे कान्हा के लिए कुछ विशेष उपहार लाते थे। हालांकि उनकी भेंट इतनी कीमती नहीं होती, लेकिन फिर भी वे सब अनोखी होती थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कृष्ण को अपने मित्रों द्वारा लाई गई भेंटों को देखने में अधिक रुचि रहती, इसलिए एक के बाद एक कृष्ण के मित्र उसके पास अब आने लगे हैं अपनी अपनी भेंट लेकर। सबसे पहले आया भद्रा, और जानते हैं उसने कृष्ण को क्या उपहार दिया? एक छोटी सी डिब्बी में गाय के गोबर से बना हुआ तिलक। बड़ा ही खुश होता हुआ वो कृष्ण के पास आया और उसने कृष्ण से कहा, देखो देखो कान्हा, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये है गाय के गोबर से बना हुआ तिलक, इसे लगाकर तुम बड़े सुंदर दिखोगे। जैसे ही कृष्ण ने ये सुना तो वो खुशी के मारे उछल पड़ा। बड़े उत्साह पूर्वक उसने वो गाय के गोबर का तिलक भद्रा से अपने सिर पर लगवाया और ये तिलक उसे इतना अच्छा लगा कि वो सबके पास जा कर दिखाने लगा और कहने लगा कि देखो देखो भद्रा मेरे लिए क्या लेकर आया है, कितना सुंदर है ये, है ना? मुझे तो लगता है कि ये तिलक आज सुबह सुबह ही मुझे लगाना चाहिए था। पता नहीं ये शांडिल्य ऋषि इतने महत्वपूर्ण विधि को कैसे भूल गए। वास्तव में मेरा मित्र भद्रा इनसे भी ज्यादा बुद्धिमान है, जो उसने ऐसी मूल्यवान भेंट के विषय में सोचा। इस प्रकार कान्हा बातें कर रहा था, तभी एक और ग्वाल बाल आया जिसका नाम था तोके। वो तीन रंगों वाला फूल लेकर आया था कृष्ण के पास। उस फूल को देखकर कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए कि पूछो ही मत। पूरी सृष्टि की रचना करने वाला कान्हा अपने मित्र से कहने लगा, अरे वाह, कितना सुंदर है ये फूल, आज तक मैंने इतना सुंदर फूल कभी नहीं देखा। देखो देखो ये तोके मेरे लिए कितना सुंदर पुष्प लेकर आया है, आज तक इतनी मूल्यवान भेंट मुझे किसी ने नहीं दी है, वरना तुम ही बताओ पूरे वृंदावन में ऐसा पुष्प कहाँ मिलेगा। इस प्रकार कान्हा के लिए उसके मित्र कभी कुछ फल लेकर आते तो कुछ छोटा सा सुंदर मोरपंख, कोई तीन रंगों की छांट वाला सफेद कमल पुष्प ले आता। और अपने सभी मित्रों के इन उपहारों को देखकर कान्हा बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। अब देखिए, उस दिन यशोदा मैया ने कान्हा को अत्यंत सुंदर आभूषणों और वस्त्रों से सजाया हुआ था और कान्हा को यशोदा मैया की तरफ से विशेष सूचना मिली थी कि उस दिन घर पर जो भी मेहमान आएंगे उन सब की कृष्ण को सेवा करनी है।
कृष्ण को भी ये काम बड़ा अच्छा लगता था और यशोदा मैया ने उसे ये भी सुझाव दिया था कि जब उसके मित्र उसके लिए उपहार लेकर आए तो कान्हा को भी बदले में उन सबको कुछ न कुछ देना चाहिए। जी हाँ, रिटर्न गिफ्ट्स। और कृष्ण को ये प्रस्ताव बड़ा अच्छा लग गया। कृष्ण के मित्रों को बदले में देने के लिए नंद बाबा और यशोदा मैया ने पूरे वर्ष भर अनेक भेंट और उपहार एकत्रित किए थे और वो भी विश्व के कोने कोने से मंगवाए हुए। उन सबको सुंदर कपड़ों और थालों में सजाकर एक स्थान पर रखा गया था और अब समय था कृष्ण अपने मित्रों को उपहार देने वाले थे। जैसे ही कान्हा ने उस स्थान पर जाकर देखा तो वहाँ मूल्यवान मोती थे, कीमती आभूषण थे, सुंदर वस्त्र थे और अन्य वस्तुएं थी। लेकिन इन सब को देखकर कान्हा बड़ा ही निराश हो गया। उसे लगा कि उसके मित्रों ने जो मूल्यवान वस्तुएं उसे दी है उसके सामने ये सारा सामान तो कुछ भी नहीं है। उसे ये कीमती वस्त्र आभूषण बिल्कुल अर्थविहीन लग रहे थे। अब उसके पास अपने मित्रों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सोचकर कान्हा को बहुत रोना आ रहा था। उसने सारे उपहार फेंक दिए और एक कोने में जाकर रोने लगा। अब ये देखकर नंद बाबा और यशोदा मैया परेशान हो गए। वर्ष भर उन्होंने इतनी मेहनत से इतना खर्च करके इतने उपहार एकत्रित किए थे और कान्हा को वो पसंद ही नहीं आए। अभी कुछ समय पहले ही उछल कूद करता हुआ खुशी से नाचता हुआ कान्हा आज अपने जन्मदिन पर रो रहा था। अब ऐसी स्थिति में अंतिम आश्रयदाता कौन है? आप जानते ही हैं, हमारे बलराम जी। थोड़ी देर बाद कान्हा अपने बलदाऊ के पास गया और आंखों में बड़े बड़े आंसू लेकर कहने लगा, देखिए ना दाऊ भैया, मेरे सभी मित्रों ने मुझे इतने मूल्यवान उपहार दिए हैं, लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। ये सुनकर बलराम जी ने कृष्ण से कहा, अरे कान्हा, रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम उन्हें क्या दे सकते हो। देखो, अब जरा ध्यान से सोचो कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे मित्रों के पास नहीं है। बताओ बताओ। अब कान्हा भी गंभीरता पूर्वक गहरा चिंतन करते हुए सोचने लगा, ऐसा मेरे पास क्या है जो इनके पास नहीं है। और अचानक से कान्हा के मन में विचार आया और जो भी वस्त्र आभूषण और उपहार उसने फेंक दिए थे उन सबके ऊपर चढ़कर भागता हुआ वो अपने मित्रों के पास पहुंच गया। अब फिर से उसके चेहरे पर मुस्कान थी और पैरों में वही उछल कूद। आखिर अब उसे पता जो लग गया था कि उसे अपने मित्रों को कौन सा उपहार देना है। वो सीधा गया भद्रा के पास। कान्हा ने भद्रा को जोर से गले लगाया और प्रेम से उसके कानों में कहा, भद्रा, मैं तुम्हारा हूँ, यही उपहार है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और ये देखकर भद्रा की आंखों में अश्रु आ गए। आज तक ऐसा उपहार उसे कभी नहीं मिला था। आखिर कृष्ण स्वयं अपने आप को दे दे, इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है ना? तो बस इस प्रकार कान्हा ने जाकर अपने सभी मित्रों को गले से लगाया और स्वयं को उन्हें सौंप दिया। सभी ग्वाल बाल भी कृष्ण द्वारा दिए गए इस उपहार से इतने प्रसन्न थे कि उन्हें लग रहा था कि आज तक उन्हें ऐसा उपहार किसी ने नहीं दिया। तो ऐसे मनाते हैं वृंदावन में जन्माष्टमी। आप अपनी जन्माष्टमी कैसे मनाने वाले हैं? ये हमें आज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए तब तक आपको एक और रोचक कथा सुनाते हैं। हम सब जानते हैं कि कान्हा को माखन कितना प्रिय है, लेकिन माखन से ज्यादा उसे माखन चुरा कर खाना पसंद है। कृष्ण ने वृंदावन में इतना माखन चुराया कि उनकी इस लीला के गुणगान में हमारे आचार्य श्री बिल्व मंगल ठाकुर ने तो पूरा एक चौराष्टकम ही बना दिया, जिसे हम अधिक मास में गाते हैं। लेकिन नंद महाराज, जो कि पूरे व्रज के राजा हैं, उनका पुत्र आखिर एक चोर कैसे बन गया? तो इसके पीछे भी एक सुंदर रहस्यमय कथा है जो आपने शायद नहीं सुनी होगी। वास्तव में कृष्ण 1.5 साल के थे जब उन्होंने पहली बार अपने ही घर से माखन चुराया था। जब बच्चा मुश्किल से चलना सीखता है, उस आयु में हमारे नटखट कान्हा ने माखन चोरी की ये कला का सबसे पहली बार प्रयोग किया। हालांकि वो बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, चंचल और शरारती था। जब से उसने जमीन पर घुटनों के बल रेंगना और फिर बाद में चलना सीखा, तभी से उसने अपनी शरारतों का परिचय देना आरंभ कर दिया था। नंद भवन में अभी तक सबसे रोचक चीज उसे लगती थी नंद महाराज की रंग बिरंगी पगड़ी। उसे देखकर वो बड़ा खुश होता था।
एक बार उसने वो पगड़ी ली और उसे पूरा खोल दिया। जब उसने चलना शुरू किया तो नंद महाराज की नकल करने लगा। उनकी ही तरह छोटी सी लकड़ी ले आता और अपने छोटे छोटे दोनों पैरों से संतुलन करते हुए चलने का प्रयास करता और फिर कभी कभी सिर के बल उल्टा भी गिर जाता। लेकिन उसने अपने घर में कभी शांति से बैठना सीखा नहीं था। कभी कभी तो वो नन्हे कदम भरता हुआ नंद भवन के कुएं के पास पहुंच जाता और उसमें अपना सिर डालकर देखता कि आखिर इसमें क्या है, और फिर पीछे से यशोदा मैया को हार्ट अटैक आ जाता और वो जोर से चिल्लाती, अरे कान्हा वापिस आ। ऐसे ऐसे कार्य वो प्रतिदिन करता रहता। लेकिन फिर भी माखन चोरी का उसका पहला पराक्रम इसी समय में यानी कि 1.5 साल की आयु में उसने शुरू किया था। अब देखिए, नंद महाराज तो हैं एक गोप, इसलिए उनके घर में दूध दही माखन की कमी तो हो नहीं सकती। तो एक बार मैया यशोदा ने कान्हा को पहली बार थोड़ा माखन चटाया और बस कृष्ण को पहली ही नजर में प्यार हो गया। अरे माखन से, यशोदा मैया के हाथों से बनाया हुआ माखन उसे इतना स्वादिष्ट लगा कि वो बार बार माखन मांगता गया। लेकिन मैया यशोदा ने कहा कि अधिक माखन खाने से पेट खराब हो जाएगा, और फिर वो अभी छोटा भी था। लेकिन बस उस दिन से ऐसा लग रहा था मानो कान्हा ने उसके जीवन की सबसे बड़ी खोज कर ली, और वो थी माखन की खोज। उसी दिन और उसी पल से चतुर कृष्ण की नजरें पूरे नंद भवन में माखन को ही ढूंढती रहती। अपने नन्हे कदमों से वो पूरे नंद भवन में घूमता रहता और ढूंढता रहता कि आखिर माखन का भंडार कहाँ छिपा हुआ है। और आखिरकार एक दिन उसे वो कमरा मिल गया जिसमें माखन रखा हुआ था। फिर क्या, चोरी का महाअभियान आरंभ हो चुका था। एक दिन दोपहर के समय नंद भवन में सभी लोग विश्राम कर रहे थे, लेकिन इस नन्हे से नटखट को नींद कहाँ आएगी। तो बस वो धीरे से चुपके से अपने कमरे से बाहर निकला। उसने अपने आसपास चारों ओर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, और फिर वो धीरे धीरे उस माखन वाले कमरे की ओर बढ़ा। द्वार पर पहुंचकर फिर एक बार कृष्ण ने चारों ओर देखा और इस बात की पुष्टि की कि कहीं किसी की नजर उस पर तो नहीं है। अब कोई नहीं दिखा तो बस फिर वो घुस गया उस माखन वाले कमरे में। सामने ही स्वादिष्ट और मुलायम ताजे मक्खन का मटका रखा हुआ था। उसने सीधा अपना एक हाथ उस मटके में डाला और उसमें माखन निकाला। यशोदा मैया के हाथों से बने हुए स्वादिष्ट माखन को देखते ही जैसे कान्हा के मुंह में पानी छूटने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और उस माखन का आस्वादन करने के लिए तुरंत उसे अपने मुंह में डाला। मुंह में रखते ही माखन पिघलने लगा और कान्हा एक अलौकिक दुनिया में चला गया, मानो वो स्वयं उस स्वादिष्ट मुलायम माखन की लहरों पर तैर रहा था। एक के बाद एक करके उसने बार बार अपने छोटे छोटे हाथों से उस मटके से माखन निकाला और उसका आस्वादन करता गया। फिर जब उसने फिर एक बार आंख बंद करके माखन निकालने के लिए मटके में हाथ डाला तो ये क्या, उसका हाथ जमीन पर पटक गया। उसने सोचा, अरे अरे, ये अचानक मैं माखन की लहरों पर तैरते हुए जमीन पर कैसे गिर पड़ा। उसने अपनी आंखें खोली तो वहां से मटका अदृश्य और सामने यशोदा मैया खड़ी थी। बस कान्हा की बोलती बंद हो गई। अब तो मैया आ गई, अब मैया को अपने बचाव में कुछ तो कहना पड़ेगा ना। तो बस ये नटखट स्वयं की सफाई देने के लिए कुछ नई तरकीब सोचने लगा कि आखिर कैसे मैया यशोदा को समझाया जाए कि उसने माखन नहीं खाया है। यशोदा मैया की क्रोध भरी तीखी नजरें कन्हैया को और ज्यादा घबराहट में डाल रही थी। फिर भी किसी तरह उसने कहना शुरू किया, मैया वो मैं। उतनी देर में मैया उसे डांटने लगी, अरे ओ कान्हा, तू तो मेरे साथ सोया हुआ था ना, फिर इतनी देर में तू यहाँ कैसे पहुँच गया और क्या कर रहा था इधर, बताना जरा। ये सुनकर तो कन्हैया और घबरा गया, लेकिन वो बुद्धिमान था। उसने अपनी मीठी सी आवाज में कहा, मैया वो आपने जो मुझे आज सुवर्ण के कंगन पहनाए है ना, वो मुझे बड़े जल रहे थे हाथ में। मैंने सोचा अगर वो मेरे हाथ में ऐसे ही जलन पैदा करते रहेंगे तो फिर मेरा पूरा हाथ जल जाएगा, इसलिए मैं इस माखन के मटके में अपने दोनों हाथ रखकर उसे ठंडा कर रहा था। यशोदा मैया ने ऐसा बहाना अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। उनको हंसी आ गई, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपनी हंसी को रोक लिया। उन्होंने उसके दोनों हाथों को देखा और वो दोनों ही हाथ बिल्कुल ठीक थे, उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। फिर मैया यशोदा ने कहा,
अच्छा लल्ला, अगर तेरे हाथ गरम लग रहे थे तो क्या ये तेरा मुंह भी जल रहा था जो तेरे इस पूरे चेहरे पर माखन लगा हुआ है? अब इसका भी तुरंत उत्तर उस नटखट के पास था। उसने कहा, नहीं नहीं मैया, वास्तव में जब मैं इस माखन के अंदर रखकर अपने हाथों को शीतल कर रहा था तो उसी समय एक चींटी मेरे चेहरे पर आ गई। मैंने उसे हटाने के अनेक प्रयास किए लेकिन वो जा ही नहीं रही थी, इसलिए मजबूरी में मुझे उसे अपने हाथों से हटाना पड़ा और बस इसी कारण से ये माखन मेरे मुंह पर लग गया। लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूँ मैया, मैंने माखन नहीं खाया है ना। कृष्ण का ऐसा अजीबो गरीब बहाना सुनकर मैया यशोदा पेट पकड़कर हंसने लगी। उन्होंने तुरंत उस नन्हे से चोर को गोद में उठा लिया और उस कमरे से बाहर निकल गई। और बस वही दिन था जब कृष्ण ने सबसे पहली बार माखन चोरी की। मैया यशोदा की गोद में जाते हुए कृष्ण के चेहरे पर इस बात का संतोष था कि आखिर उसने अपनी मैया को किसी तरह समझा लिया। अगर मैया यशोदा उसकी बातों से समझ गई है तो इसका मतलब है आने वाले समय में वृंदावन की अन्य गोपियों को समझाना इतना मुश्किल नहीं होने वाला था, क्योंकि कान्हा के अनुसार उसकी मैया पूरे वृंदावन में सबसे बुद्धिमान गोपी थी। हाँ, तो इस प्रकार नंद महाराज का बेटा बन गया माखन चोर। और आने वाले समय में उसकी इस माखन चोरी में उसके सभी मित्र भी सहभागी होने वाले थे। कृष्ण के सखा उतने ही मनमोहक और रोचक थे जितने कि स्वयं कृष्ण। पूरा दिन वे कृष्ण के साथ खेलते, शरारतें करते और रात को भी उन्हीं को याद करते हुए सो जाते। इन सखाओं में एक सखा था भद्रा, जो कृष्ण के साथ हमेशा परछाई की तरह रहता। जहाँ भी कृष्ण जाते भद्रा उनके साथ जाता, यहाँ तक कि रात में भी वो कृष्ण के पास ही सोने की जिद करता। एक दिन सुबह सुबह सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को लेकर गोवर्धन की ओर निकल पड़े, लेकिन भद्रा को कृष्ण कहीं नहीं मिले। चिंतित होकर उसने श्रीदामा से पूछा, क्या तुमने कन्हैया को देखा? मुझे बड़ा भय लग रहा है कि कहीं असुर ने उस पर हमला ना किया हो। श्रीदामा ने हंसते हुए कहा, अरे भद्रा तू पागल हो गया है, आ जा यहाँ बैठ कर थोड़ा विश्राम कर ले, चल। भद्रा की चिंता तो बढ़ गई, उसने मधुमंगल और स्तोक कृष्ण से भी पूछा, लेकिन वे दोनों भी हंसने लगे। अब भद्रा को गुस्सा आ गया कि ये सब कृष्ण के संकट की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। तब उसने बलराम जी से पूछा, ताऊ जी क्या आपने कान्हा को देखा है? तो बलराम जी मुस्कुराए और बोले, अरे भद्रा कान्हा तुमसे दूर कैसे जा सकता है, जरा सोचो। भद्रा ने जैसे ही मुड़कर पीछे देखा तो कृष्ण वहाँ खड़े हंस रहे थे। वास्तव में पूरा दिन कृष्ण भद्रा के ठीक पीछे थे, इसलिए भद्रा उन्हें देख नहीं पा रहा था। तो इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि जैसे भद्रा कृष्ण को नहीं देख पाया, वैसे ही हम भी अक्सर भगवान को खोजने में गलती कर बैठते हैं। हम भूल जाते हैं कि वे सदैव हमारे साथ हैं, हमारी परछाई की तरह। एक और दिन सभी ग्वाल बाल खेल रहे थे और भद्रा ने कृष्ण को भोजन करने के लिए बुलाया। उसने कहा, कान्हा चलो अब भोजन कर लो, मैया यशोदा ने हमारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन भेजे हैं। लेकिन कृष्ण को तो खेलना था, उन्होंने अपना खेल जारी रखा। भद्रा के कई बार बुलाने पर भी जब कृष्ण नहीं आए तो नाराज होकर भद्रा एक गुफा में जाकर बैठ गया। काफी देर बाद भी भद्रा नहीं लौटा तो कृष्ण ने उसे मनाने का निर्णय किया। लेकिन हमेशा की तरह कृष्ण ने इसे मजेदार बनाने की सोची। उन्होंने एक बड़े शेर का रूप धारण किया और गुफा में जाकर जोर से दहाड़ लगाई। लेकिन भद्रा डरा नहीं, उसने उल्टा कृष्ण को ही डांटते हुए कहा, कहा था ना मैंने कि तुझे भूख लगी है, पर तुम्हें तो खेलना है, जाओ अब खेलो। कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भद्रा ने उन्हें कैसे पहचान लिया, जबकि उनकी योग माया शक्ति से बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं। तभी उन्होंने देखा कि आकाश में योग माया देवी हाथ जोड़ कर खड़ी है। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु आपके भक्तों के प्रेम और समर्पण के आगे मैं भी कुछ नहीं कर सकती, उन्होंने आपको अपने प्रेम से जीत लिया है। और फिर कृष्ण समझ गए कि सच में उनसे अधिक शक्तिशाली उनके भक्त हैं। और इसी बीच असली शेर भी गुफा में आ गया और भद्रा ने उसे बुलाकर भी कृष्ण का प्रसाद खिलाया। प्रसाद पाकर शेर भी आनंद में नृत्य करने लगा और इस प्रकार कृष्ण और उनके सखाओं की अद्भुत और रोचक लीलाएं चलती रही। वृंदावन में ऐसे ही आनंद और प्रेम से भरे प्रसंगों का निरंतर प्रवाह बहता रहता है।
आज की कथा बस इतनी ही। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज हमें आपको बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आखिर आपकी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है। इतने समय से हम जिस कृष्णायन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसे हम इस आने वाले कार्तिक मास के पवित्र अवसर पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण से यथारूप में ली गई भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत सुंदर लीलाओं को हमने एनिमेशन और रोचक कथा प्रस्तुति के साथ तैयार किया है, जो आपको और विशेषकर आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप में से जिन मित्रों ने हमारी सहायता की है उनका हम हृदय पूर्वक आभार प्रकट करते हैं। और अगर आप भी कृष्ण कथा के इस प्रचार कार्य में अपना हाथ बटाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आपके द्वारा भेजे गए योगदान से भगवान श्री कृष्ण आप पर अधिक प्रसन्न होंगे, क्योंकि उन्हें वो भक्त पसंद हैं जो उनके नाम और चरित्र का गुणगान अन्यों को करते हैं। तो इस शुभ कार्य में सहभागी बनिए और सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आगे आइए। इसी प्रार्थना के साथ चलिए आने वाले जन्माष्टमी महामहोत्सव की तैयारी आरंभ करते हैं और अपने मन, शरीर और चेतना से सदैव भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा में संलग्न रहने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा।